एवरीवन, हरे हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि TCS में आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कंपनी के, जिसको पार करके कैंडिडेट TCS में ज्वाइन करते हैं, क्या होना चाहिए एक कैंडिडेट के पास TCS में आने के लिए। ओके, सो अगेन, हर बार की तरह इस बार भी प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, सो दैट मैं और भी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट आपको इजी हो कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। सो TCS में आने के लिए सबसे पहली बात, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो TCS को चाहिए, लाइक अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आप टेक्निकली ग्रेजुएट हो। ओके, सो आप हर एक स्ट्रीम में कहीं भी किसी भी जगह से आपने कराया, बट आपका वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। जो आप पास हुए हैं, वो जो ग्रेड है आपका, वो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। ओके, ये है पहला कंडीशन। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद एजुकेशन और कैरियर के बीच में, लाइक कैरियर क्या है, जब आप जॉब शुरू करते हो, सो फ्रॉम दैट मोमेंट वी कंसिडर दैट एज कैरियर। ठीक है, सो जब आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे होते हो, तो यानी कि एजुकेशन कंप्लीट जब हुआ आपका और आपने जब से जॉब शुरू करी, सो इन दोनों के बीच में ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई थिंक 6 मंथ या 4 to 5 मंथ दैट इज कंसिडरेबल, बट मोर देन दैट टीसीएस इज नॉट गोइंग टू कंसिडर दैट। ओके, सो ये दूसरा कंडीशन है, यानी कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई और आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, यानी कि वो जो कंटिन्यूटी अगर आपका मेंटेन है, सो आप अप्लीकेबल हैं TCS में आने के लिए। ओके, तीसरा चीज़, आपकी एजुकेशन भी सही है, आपने वो भी करा टाइम से, आपको जॉब भी मिल गई बिना किसी गैप के, बट एक जॉब एक्सपीरियंस और दूसरे जॉब में स्विच करने के बीच में अगर आपका ज़्यादा गैप है, लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक जॉब में जॉब कर रहे हैं, फिर जॉब छोड़ के बैठ गए, फिर काफ़ी टाइम लगाते हैं दूसरा जॉब लेने में। सो अगर ऐसा भी कोई सिचुएशन है या कंडीशन या केस है आपके साथ, सो दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। उस केस में भी आप अप्लीकेबल नहीं हो TCS में आने के लिए, यानी कि TCS आपके प्रोफाइल को कंसिडर नहीं करेगी। ये थर्ड केस था। और फोर्थ केस क्या है कि अगर आपके जॉब में कंटिन्यूटी है, एजुकेशन के साथ साथ आपने जॉब करा है और अभी तक आप कर रहे हैं, बट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आपको सैलरी देती है, यानी कि आपके अकाउंट में जो सैलरी है वो कंपनी क्रेडिट नहीं करती है, वो कोई अदर पर्सन के थ्रू क्रेडिट होता है, जहाँ पे कंपनी देखा नहीं जा सकता, यानी कि कोई ट्रैक नहीं है उसका। उस केस में अगर आपके पास सैलरी स्लिप है तो आप कंसिडर हो सकते हो। अगर आपके पास सैलरी स्लिप भी नहीं है और बैंक स्टेटमेंट में भी उस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तब भी आपका सिलेक्शन TCS में नहीं हो पाएगा, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। ओके, और ये लास्ट है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने कोई कंपनी छोड़ दिया है, ओके, मीन्स चीज़ें क्लियर हैं, ऐसा वाला सीन है कि कंपनी आपके आपको अकाउंट में भी नहीं देती थी सैलरी और आपके पास कोई सैलरी स्लिप भी नहीं है, अगर आपके पास ऑफर लेटर या रिलीविंग लेटर है उस कंपनी का तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एज एविडेंस आपके पास नहीं है तो TCS आपको कंसीडर नहीं करेगी। थैंक यू।